और दोबारा लाइव है हमारी टीम इस वक्त लाल बाजार से। आपको बता दूं कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और अब से थोड़ी देर कबल जो है हमने आपको दिखाई कि तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी बातों को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस एक्शन में है I'm
जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी, और टियर गैस छोड़ दिया गया है। ये देखिए ये मौके पर पुलिस द्वारा छोड़ा गया है, और टियर गैस इस्तेमाल किया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाल बाजार के पास, जहां आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में प्रोटेस्टर्स और अब पुलिस के दरमियान जो है काफ़ी बड़े पैमाने में जो है आमने सामने से प्रोटेस्टर्स जो है बैरिकेड को उठाकर जो है देख रहे थे, और पुलिस द्वारा जो है भीड़ को टियर गैस के द्वारा जो है नियंत्रण किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया टियर गैस का इस्तेमाल कर। देख सकते हैं पुलिस की पूरी गलती तैनात है ऊपर, और आपको ग्राउंड जीरो से लोकल सर्विस आपको रिपोर्टिंग कर दिखा रही है। देख सकते हैं पुलिस को जो है टियर गैस और बड़ा ही जबरदस्त क्या सुना गया है। आपको लगातार हमारी टीम हर कोने से दिखा रही है और टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है। आंखों में चलन और जबरदस्त टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है। अब लोग भाग कर इस वक्त जो है आपको बता दूं कि डलहौजी मोड़ पर हम मौजूद हैं और लगातार जो है आपको दिखा रहे हैं लाल बाजार की ओर से। देख सकते हैं आप लाल बाजार मोड़ पर जो है टियर गैस मारा गया था, और इसके बाद से जो है टियर गैस का इस्तेमाल किया, इसके बाद से जो भीड़ भीतर भीतर हुई है, लोग अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। लगातार हमारी टीम आपको जो है ग्राउंड से दिखा रही है। अमर भाई क्या कहेंगे, जबरदस्त प्रोटेस्ट। जबरदस्त टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है, और ये देखिए पुलिस दोबारा जो है मौके पर जा रही है।
हालत ख़राब, सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी हो रही है, ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है टीयर गैस के मारने के बाद, जो है पूरे चेहरे में एक जलन सा महसूस होता है, इलाके में पूरा जो है वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स जो रहती है, मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी हानिकारक रहती है, और आंखों में चेहरे में जलन होती है, जिसके कारण जो है भीड़ जो है तितर बितर होती है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट से लाइव, जहाँ लाल बाजार से, जहाँ अब से थोड़ी देर पहले जो है प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान जो है दोनों के बीच झड़प हुई, और टीयर गैस के माध्यम से जो है इस प्रोटेस्ट को जो है रोका गया। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, देखते रहे थे लोकल जर्नलिस्ट फदर अपडेट्स के लिए। मैं मोहम्मद इकबाल, अभी कोलकाता से हमारी टीम लगातार आपको जो है आज सुबह से जो है हर कोने से जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन जो आर्चर हॉस्पिटल में जो एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मामला पेश आया था, उसको लेकर सियासत जो है सरगर्माई थी पूरे मगरबी बंगाल में, यूँ कहने के पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो है डॉक्टर्स और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग जो है प्रोटेस्ट में नज़र आए। और इस खास तौर पर जो है खुद जो देखा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो भी रास्ते पर सड़कों पर आई और जो है सीबीआई को केस सौंपने के बाद जो है डिमांड कर रही थी कि जस्टिस हो, कैपिटल पनिशमेंट हो दोषियों के खिलाफ। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी की समर्थन था, स्टूडेंट्स द्वारा जो है एक प्रोटेस्ट बुलाई गई थी, कल्याणी यूनिवर्सिटी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा जो है आज नवन्नो अभियान, नवन्नो घेराव अभियान प्रोटेस्ट बुलाया गया था, और सीएम जिसमें जो है जिसका जो दावा था, जिसके तरफ से जो डिमांड्स थी प्रोटेस्टर्स की कि सीएम ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे, और इसको लेकर जो है पूरे कलकत्ता शहर, यूँ कह ले हावड़ा के इर्द गिर्द नवन्नो के इर्द के तमाम जगहों पर जो है बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस द्वारा। और बैरिकेडिंग के बाद जो है हर जगह पर, हर अलग अलग नुक्कड़ पर तोड़ तोड़ कर जो जहाँ जहाँ प्रोटेस्टर्स आ रहे थे उन्हें रोका गया बैरिकेड के जरिए, टीयर गैस के जरिए, वाटर कैनन के जरिए। और इस वक्त हमारी टीम जो है मौजूद है आपको लाल बाज़ार, कोलकाता लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन के सामने, जहां मोर बीबी गांगुली स्ट्रीट के नाम से भी पहचानी जाती है। और यहां पर आपको बता दूं कि पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने थे, और इस यहां पर जो है प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी, रुद्रनील घोष, तरुण ज्योति तिवारी, अर्जुन सिंह, तापस राय जैसे तमाम दिग्गज लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, और तमाम लोग जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और अब थोड़ी देर बाद जो है प्रोटेस्टर्स जो है लाल बाज़ार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस स्टेशन की तरफ, हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ जो पुलिस ने उन्हें रोका और बैरिकेड के सहारे उसे रोकने की कोशिश की गई। आप देख सकते थे हमारी टीम ने आपको लाइव दिखाया कि बैरिकेड को जो है जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, प्रोटेस्टर्स द्वारा बैरिकेड को उठाकर फेंकने की कोशिश की गई, पुलिस रोक रही थी, और ये जो भीड़ जो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, इस भीड़ को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने जो है टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो है भीड़ तितर बितर हुई और मामले के ऊपर जो है काबू पाया गया। आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट, मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारा काम? अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप हमें द लोकल जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती है, खुद अपने पैसे से, अपने टीम वर्क से, अपने मेहनत से आप तक जो है न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करती है। हमें किसी भी तरीके की जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किसी और की नहीं रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक जो है निष्पक्ष तरीके से जो है खबरें पहुँचाएँ। और इस वजह से जो हमारी अपील है हमारे तमाम व्यूअर से कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम तमाम तरहों से जो है 7890005856 इस नंबर पर जो है आप हमें सहायता करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से जो है आप तक जो है खबर पहुंचा सकें। मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट, थैंक यू वेरी मच।